दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेपाल की इंग्लैंड के खिलाफ शानदार जीत के लिए एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जहां इस वीडियो का लाइक टारगेट है 300 लाइक्स। गाइस आज हांगकांग सिक्सेस 2024 का सेकंड मैच नेपाल वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेला गया, जहां ये हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच था। अगर नेपाल वर्सेस इंग्लैंड के इस मैच की पूरी हाइलाइट्स की बात करें तो नेपाल ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम 97 रनों पर ऑल आउट हो गई, जहां नेपाली बॉलर्स की शानदार बॉलिंग देखने को मिली। अगर इंग्लैंड के स्कोर कार्ड की बात करें तो एलेक्स डेविस गोल्डन डक पर आउट हो गए, रवि बोबारा ने बनाए शानदार 49 रन 12 गेंदों में, समित पटेल ने भी शानदार 39 रन बनाए 17 गेंदों में, जॉर्डन थॉमस ने 0, एड बेरनार्ड ने 5 रन, वहीं जेम्स कोल्स ने बनाए 1 रन। अगर नेपाल के बॉलिंग कार्ड की बात करें तो विवेक यादव ने 25 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, प्रतीश जीशी ने 9 रन देकर 2 विकेट लिए, नारायण जोशी और लोकेश बाम ने 1-1 विकेट लिया। जहां नेपाल को इस मैच को जीतने के लिए 98 रनों की जरूरत थी 6 ओवर्स में। 98 रनों का पीछा करने उतरी नेपाल के ओपनर संदीप जोरा और लोकेश बाम ने पहले ही ओवर में 31 रन ठोक दिए। दूसरे ओवर में संदीप जोरा और लोकेश बाम ने 18 रन स्कोर किए, जहां पहले 2 ओवर्स के बाद नेपाल का स्कोर था 51 रन बिना किसी नुकसान के। जहां संदीप जोरा और लोकेश बाम के बीच 50 प्लस रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई, वो भी 12 गेंदों में। तीसरे ओवर में सिर्फ 12 गेंदों पर 50 रन बनाकर संदीप जोरा रिटायर्ड हर्ट हो गए, जहाँ 3 ओवर्स के बाद नेपाल का स्कोर था 74 रन बिना किसी नुकसान के। चौथे और पांचवें ओवर से लोकेश बाम और राशिद खान ने 29 रन स्कोर कर दिए, जहां नेपाल ये मैच 6 विकेटों से जीत गया। जहां नेपाल ने 4.3 ओवर्स में 99 रन बना दिए बिना किसी नुकसान के। अगर नेपाल के स्कोर कार्ड की बात करें तो संदीप जोरा ने 50 रन बनाए 12 गेंदों में, लोकेश बाम ने 20 रन बनाए 11 गेंदों में, वहीं राशिद खान ने 5 गेंदों पर शानदार 21 रन बनाए। तो दोस्तों नेपाल की इंग्लैंड के खिलाफ इस जीत का असली हीरो कौन है कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।